अपनी आय बढ़ाने के लिए किसानों का रुझान बागवानी फसलों की तरफ बढ़ रहा है। बागवानी करने वाले ऐसे ही एक किसान बैंसी गांव निवासी संजय हैं, जो गांव में ही 3 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। उनकी फसल रोहतक में जाते ही बिक जाती है, जिसके चलते उन्हें फसल बिक्री की भी कोई फिक्र नहीं है। 3 साल पहले ही उन्होंने गांव में केले की फसल लगाई थी। उनका कहना है कि केले की फसल किसानों को अच्छा फायदा पहुंचा सकती है। वे अब दूसरे किसानों को भी बागवानी फसलों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बागवानी विभाग के अधिकारी भी उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। केवल 10वीं कक्षा पास किसान संजय के अनुसार उन्होंने 3 साल पहले 1 एकड़ में केले की फसल लगाई थी, जिसके परिणाम अच्छे रहने पर अगले साल 1 और एकड़ में केले की फसल लगाई। जब दोनों एकड़ में फसल अच्छी हो रही थी तो उन्होंने 3री एकड़ में भी केले की फसल लगा दी। उन्होंने कहा कि केले का पौधा 1 साल में फसल देने लगता है, ऐसे में अब उनके खेतों में केले की अच्छी फसल होने लगी है। उन्होंने ये भी कहा कि वे ऑर्गेनिक खेती करते हैं और केलों को खेतों में ही पकाते हैं, जिसके चलते उनका माल ऑर्गेनिक मार्केट रोहतक में भेजा जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद केले की फसल जल्द से जल्द बिक जाती है, जिस कारण उनको अब फसल बिक्री की भी कोई चिंता नहीं रहती। उन्होंने बताया कि उनके पास 6 एकड़ जमीन है। हर साल 1 एकड़ का इजाफा करते हुए वो केले की फसल को बढ़ाते जा रहे हैं। उनके इस कार्य में सरकार भी उनका सहयोग कर रही है। वहीं केले की फसल के लिए वे समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारियों से संपर्क करते हैं, जिसका लाभ उन्हें अच्छी फसल के रूप में मिल रहा है। उनका कहना है कि इस खेती में किसान सालाना 2 लाख व उससे अधिक का मुनाफा कमाता है। केले के साथ ही अब वे पपीते की फसल लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी किसानों को अपनी आय बढ़ानी चाहिए। बैंसी गांव निवासी किसान संजय केले की फसल लगाकर एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनकी इस फसल की सराहना आसपास के किसान भी करते हैं, साथ ही संजय अन्य किसानों को भी उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहते हैं। हमने शुरू में धान और गेहूं की खेती करते थे, तो हमने एक बारी भलोट गए, हमारी मीटिंग हुई थी, भलोट गाँव का किसान मिला था और वहाँ जाके हमने देखा कि वहाँ पर केले के बाग लगे हुए थे। वहाँ से हमने ला के केले का बाग लगाया और इसमें हमारे को अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी मिलने लगी। इसमें कम से कम 1 एकड़ में 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक आमदन हमने ली है। हम धान और गेहूँ की खेती से तंग हो गए थे। इसमें खर्चा और आमदनी बहुत कम थी, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने तंग हो गए, ये अपना केले का बाग लगाया। इसमें एक बार लगाने के बाद हमें ज़िंदगी भर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें मेहनत और खर्चा बहुत कम है, आमदनी कम से कम इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए एक सालाना हो जाती है, इसलिए हमने ये बाग लगाया। परंपरा की खेती में आमदन नहीं होती थी, उसमें एक आमदन कम थी धान और गेहूँ में, उसमें खर्चे हर साल यूरिया के, DAP के, स्प्रे के बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी उसमें कम है। ये वैरायटी है हमारे पास, सब्जी बनती है इस केले की, ये वैरायटी सब्जी वाली केले वाली वैरायटी है, इसकी सब्जी बनती है, इसके चिप्स बनते हैं, इसके पकोड़े बनते हैं। कई लोग, 2-3 लोग हैं मेरे से, यहाँ जींद के पास एक गांव है, वहाँ से भी मेरे पास बच्चे लेके जाते हैं और वो भी आगे बाग लगा रहे हैं। हाँ जी, गांव के लोग मिलते हैं रोज़, कोई ना कोई दो चार लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, पर उनकी धीरे धीरे हिम्मत बना रहा हूँ मैं कि कुछ और आगे बढ़ जाएँ। सरकार सब्सिडी दे रही है और सरकार का पूरा सहयोग है इसमें, थोड़ा इसके बच्चों के आगे जो है तब उसमें दिक्कत आती है, पर इसमें ये प्रावधान हो जाए कि इसमें वो बच्चों वालों को भी आगे सब्सिडी दी जाए। बागवानी विभाग की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा सब्जियों और फलों की खेती करने वाले किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है और उनको आधुनिक तरीके से सब्जियां और फल लगाने व उनके रखरखाव के लिए वैज्ञानिक तरीके भी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को उन योजनाओं का लाभ जरूर उठाना चाहिए। आज मैं आपके बीच में बात करूँगा बागवानी विभाग की तरफ से क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत केले की खेती के विषय में। किसान भाइयों, बागवानी विभाग में एक बहुत अच्छी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, MIDH, उसमें एक क्षेत्र विस्तार मद है हमारा, वो बहुत ही अच्छा मद है जिसमें सभी प्रकार के क्षेत्र विस्तार, एरिया एक्सपेंशन की मद आते हैं,
जिसमें बाग हर प्रकार के बाग लगोगे उसी में है केला। केला किसान भाइयों आमतौर पर वैसे हमें पता है ये हमारा दक्षिण भारत की एक मुख्य फसल है, वहीं पे होती है इसकी खेती। लेकिन अब ये खेती हमारे इधर उत्तर भारत में जैसे हरियाणा के अंदर भी किसान इसकी काश्त करना शुरू कर दिया है, और जैसे रोहतक की बात करूँ मैं, रोहतक में सात लगता जैसे सोनीपत ज़िला है यहाँ पे किसान इसकी खेती करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा केले से किसान इनकम ले रहे हैं प्रति वर्ष, क्योंकि केला वैसे तो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन यदि इसका यदि पैदावार की बात करें, पौधे के जीवन की बात करें, तो एक साल का होता है केले का पौधा, एक साल में एक पौधे ने फल देना होता है, उसके बाद उस पौधे को उखाड़ के उखाड़ देते हैं हम, फिर नीचे से दूसरा पौधा उग जाता है, छोटा होकर जाता है जो शक्कर से चलता है, उसके बाद फिर वो फल देता है। ये अमूमन जैसे प्रति एकड़ में पौधों की बात करूँ तो 7x7 फिट पर ये एक आइडियल स्पेसिंग होती है पौधा रोपण की। पौधा आमतौर पर जैसे अप्रैल मई या अगस्त से नवंबर किसी भी समय जैसे इसकी रोपाई की जा सकती है। प्रति जो पेड़ है 25 से 40 किलो तक पैदावार देता है किसान को। और अमूमन केले के यदि हम भाव करें, दोनों तरीके से केला बाजार में दिखता है, कच्चे रूप में भी और इसको किसान पका के भी केले को मार्केट में बेच सकता है।